लेग साइड में गेंद आई तो फिर चांदी चांदी यहाँ पे, और खेला है हमने शॉट, प्लेयर के हाथों में ना जाए, चौका गया, रोका है चौका। अरे बाप रे, अभी तक की बेहतरीन फील्डिंग में से एक यहाँ पे, एक रन रोका यहाँ पर, और जरूरी है कि रन इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और T20 और वनडे सीरीज की, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका टूर की शुरुआत हो रही है T20 मैच के साथ, और पहला T20 का प्रेडिक्शन गेम प्ले लेके आए हम लोग। और आज के मैच में बनने वाले हम साउथ अफ्रीका, फिर जैसे जैसे मैच होता जाएगा हम एक बार ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला T20। शुरुआत होती है पहले T20 की, रियल मैच होने वाला है वांडरर्स के स्टेडियम में, हमारे में है नहीं तो डर्बन फील्ड्स में रखा गया है। टूर मोड है तो पहले से सेट होके आया है यहाँ पर सारा शेड्यूल, कप्तान यहाँ पर डिकॉक, दूसरी तरफ आरोन फिंच। टीम सेटअप की बात करें अगर हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अनटच्ड है, जो डिफॉल्ट आई थी वही रखी है। अफ्रीका की टीम, मैंने जो पिछला T20 हुआ था इंग्लैंड के साथ वो रखने की कोशिश की है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, यहाँ पर मैं बॉलिंग लेना चाहूँगा, रन चेज में जो मजा है वो किसी और चीज़ में नहीं है, बस बराबरी का मैच हो ये मैं चाहूँगा। डेल स्टेन, पहली गेंद, पहला ओवर यहाँ पे चालू होता हुआ, डॉट से शुरुआत, पड़ेंगे 15 ओवर पे ऑटो प्ले में। विकेट भी नहीं खोया है ऑस्ट्रेलिया ने, सिर्फ एक ही गंवाया है, और रनों के मामले में भी बहुत बढ़िया लीड, 15 ओवर के बाद 135 सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। तब राइट शाम से यहाँ पर पहली ओवर की शुरुआत करेंगे, 16 ओवर यहाँ होता हुआ, फॉर्नर के पैरों पर जाके लगी है गेंद। रन रेट 9 का है, मतलब 170-180 तो कोशिश करेंगे यहाँ पर। हाल फिलहाल गैप में गई है सिंगल के लिए, यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट किया है, क्रिस लिन आएंगे स्ट्राइक पे। अब अटैकिंग गेंद, टॉप स्पिन रखी है, स्ट्रेट में एक ऊंचा शॉट, फील्डर है नहीं ना, लॉन्ग ऑन पे है, दूर पे बहुत है, और बाउंड्री के अंदर पकड़ा है गेंद को, निराश कप्तान। 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट जाता हुआ, फिर से वैसे ही गेंद दी है, लेकिन इस बार शॉट लेग साइड पे ऊपर से जाएगा फील्डर के 6 रनों के लिए। 50 पूरे किए हैं 2 गेंदों में जो बैटिंग की है, स्ट्राइक रेट बढ़िया हो गया इनका। क्रिस लिन यहां पर है बल्लेबाजी में, और पैरों पर जाके लगी, अपील का मतलब नहीं है कुछ। एक स्लोवर के बाद एक तेज यॉर्कर रखना चाहे, किनारा लेके गई है 4 रन, जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। पार्टनरशिप बढ़ती हुई, 50 पूरे हुए हैं पार्टनरशिप में, 2 गेंदे थी डॉट, तीसरे पे एज आया, चौथे पे जा रहा है 4 रन, नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया फॉर्म में आ गए हैं यहाँ पर दोनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, 2 बाउंड्रियां बैक टू बैक, रन रेट काफी ऊंचा जाता हुआ, और एक और स्क्वायर लेग पे गैप में है, आसानी से 4 रन जाएंगे ये तो, 3 चौके लगातार में। बुलवाई को काफी घबराए हैं, पहला ओवर कर रहे थे मैच का, और खराब शुरुआत रही है इनकी। स्लाइडर गेंद, और क्रिस लिन यहाँ पर मिडलिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ भी कहो भले एक ही रन आ रहा है, लेकिन मिडलिंग की जो आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर। अटैकिंग गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं, टॉप स्पिन दिया है, और फायदा हुआ है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डेविड वार्नर को, चौका। अगर ये ओवर भी रन बना लेते तब मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई बेहतर खेल रहे हैं, अभी के लिए रोकना होगा, नहीं रोक पाए, नज़दीक से गया है, और 4 रन, कॉन्फिडेंस देखिए डेविड वार्नर का, खड़े रह गए शॉट मारने के बाद। पिछली ओवर में जबरदस्त पीटा था लिन ने, लेकिन अभी यहां पर नहीं खिले पाए बल्ले पे गेंद। 5 रन, जबरदस्त वापसी यहां पर किनारा, लेकिन सिर्फ एक ही मिला है, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा गेंदबाजी की है फुलवाइको ने। स्लोअर गुड लेंथ गेंद, हुक शॉट, फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा, हमें कोई अफसोस भी नहीं है यहाँ पर अगर सिंगल आता है तो। डेविड वार्नर अपने 60s में खेल रहे हैं, पैरों पे एज, कीपर को कुछ समझ नहीं आया, 4 रन, डेविड वार्नर को भी समझ में नहीं आया कैसे चले गए 4 रन, देख रहे हैं खुश हो रहे हैं। गुड लेंथ से स्लो किनारा लेकर फिर से चौका, 2 बाउंड्रियां गई है दोनों एज, जाते जाते एक स्लोअर गुड लेंथ गेन करेंगे, और यहाँ कैच का कॉल है, फील्डर यहाँ काफी तेज रनिंग रखा है, आगे आएगा कैच, मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए ये कैच, मुश्किल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आखिरी गेंद पर क्रिस लिन आउट, एंगड़ी आखिरी गेंद पे विकेट लिया, 2 चौके जो लगे वो भी किस्मत से लगे। क्रिस लिन 76 में 74,
पहला इनिंग हो चुका है, पूरा समरी देख सकते हैं आप, और 187 का टारगेट है, और अगर ओटो प्ले साथ नहीं देता है तो अफ्रीका के जीतने के चांसेस बहुत ही कम इस मैच में। ओपनर्स टेम्पा बाउमा और कप्तान डिकॉक। बाउमा यहाँ सामना करेंगे पेरेंट टॉप का और सिंगल से करेंगे शुरुआत, और बढ़ेंगे हम 15 ओवर के ओटो प्ले की तरफ। हाँ, 134 मारे हैं, मैं मानता हूँ खराब नहीं है, 134 ऑलमोस्ट टक्कर के ही हैं, विकेट थोड़ी गिर गई है, ये एक प्रॉब्लम है। मैच बराबरी पे है इस वक्त, लेकिन रन रेट जो है वो 5 ओवर में 52 रन है, मतलब 10 के ऊपर का रन रेट। खेलना होगा और जरूरत पड़ने पे बड़े शॉट लेने होंगे, यही एक है आइडिया इस वक्त। 2 रन से अब करेंगे शुरुआत, है गेंद 38 पर ही, लेकिन रन बहुत ही क्विक अफ्रीकन बल्लेबाजों का। मन में थोड़ा सा डाउट है कि क्या बड़े शॉट ले लिए जाएं, क्योंकि फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, अभी के लिए जरूरत नहीं है आपने। अरे रे बदकिस्मती, चलिए 3 का रिस्क ले रहा हूं मैं, विकेट तो है लेकिन पूरा किया है 3 रन, जबरदस्त रनिंग। चेंज फील्डिंग चेंज, स्ट्राइक रोटेट हुआ है यहाँ पर, और बेहतरीन शॉट, चौका यहाँ पे फाइनली। लेग साइड में गेंद आई तो फिर चांदी चांदी यहाँ पे, और खेला है हमने शॉट, प्लेयर के हाथों में ना जाए, चौका गया, रोका है चौका। अरे बाप रे, अभी तक की बेहतरीन फील्डिंग में से एक यहाँ पे, एक रन रोका यहाँ पर, और जरूरी है, एक रन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी भी रन रेट जो है वो 40, मतलब हर एक गेंद में भी, हर एक ओवर में 10 लेना होगा। यहाँ थोड़ा लेट रनिंग स्टार्ट किया था, नुकसान सहना पड़ा 1 रन का। साइड टिक आए फुल वाइको के ऊपर, बड़ा शॉट लेने गए थे, 2 ले तो रहा हूँ मैं, लेकिन गलती कर दी है शायद, लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं लगा है, किस्मत साथ दे रही है अफ्रीका का। यहाँ पे इस समय 6 हैं, और इस बार बड़ा शॉट खेला है, गैप में था, बहुत पहले ही खेलने वाले थे पर मिस कर गए थे पिछली गेंद पे। आखिरी गेंद वाइड होगी शायद, एम्पायर की तरफ मेरी नज़र है, जी हाँ एक्स्ट्रा रन, चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी रन रेट जो है वो ये भी काफ़ी दूर है, देखना होगा, जी नहीं वैलिड है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कवर में से गैप है, उस तरफ खेलना चाहते हैं, यहाँ पर फिर से डीप में फील्डर है, हम लोग फिर से 2 लेना चाहते हैं, स्लाइड किया है अननेसेसरली, डायरेक्ट हिट काम कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन नहीं लग रही। अगर लेग साइड आई गेंद, हमने बनाया है लेग साइड, और मदद बहुत बड़ी मिलेगी, 6 रन गया है यहाँ पर, 13 गेंदे और अब रन रह गए सिर्फ 16। फुलवाई को यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंफ्यूज कर रहे हैं बल्ले गेंदबाज को, और रन लिया है सिंगल, रन आउट डायरेक्ट हिट में ही होगा, सिर्फ नहीं लगा है। हालात ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया खुद गलती करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं। ये देखिए फुल लेंथ गेंद डाल दी, और करके कोशिश थी लेकिन फुल हो गई, और 4 बटोलिया यहाँ पर, 10 गेंदे 10 रन, इस बार किनारा लेकिन बॉटम लगा था बल्ले का, और सिंगल के लिए 9 गेंदे 9 रन, शॉर्ट पिच तो भाई बिल्कुल गलत गेंद है यहाँ पर, इस कंडीशन में मैं 2 लेना चाहूँगा, अगर कीपर की तरफ थ्रो आता है तो कुछ काम बनेगा, लेकिन बॉलर की तरफ गए हैं, अगर 6 मार देते हैं तो फिर जीत जाएंगे, लेकिन अभी के लिए स्विप शॉट, और नहीं सिंगल ही लेंगे, आखिरी ओवर में गया है ये मैच, 5 रन चाहिए जीतने के लिए, और 50 भी पूरे हुए हैं रेजी वेंडरसन के, जबरदस्त इनिंग, 30 में 50, 4 चौके 4 छक्के, 6 गेंदे 5 रन, लाइन बहुत बढ़िया है, लेकिन शॉट उससे भी बेहतरीन निकल गया 4 रन के लिए, कोई नहीं रोक पाएगा इस बिजली, देखना होगा किस तरह से फिनिश करते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर है 1 ही रन की जरूरत, लेकिन 2 लिया है, और अफ्रीका यहाँ पर जीतता हुआ ये मैच 6 विकेट से जीता है। बराबरी पे था ये मैच जब ऑटो प्ले खत्म हुआ था, लेकिन अच्छी बैटिंग की हमने, अगर आप लोग देखेंगे तो कोई बहुत बड़े शॉट मैंने नहीं खेले हैं, जब 2 या 3 बार ऐसा मौका हुआ था कि फील्डिंग ओपन मिला था तभी हमने अग्रेसिव खेला, और अंत में बैलेंस किया क्रिकेट को अग्रेसिव शॉट और डिफेंसिव शॉट और ग्राउंड शॉट के साथ, और जीत हासिल किया। अंत में यहाँ पर क्रिस लिन बने मैन ऑफ द मैच, जो कि मैं मानता हूँ गलत है, यहाँ पर मिक्स बैटिंग की है, 56 मारा वेंडरसन ने, उनको भी मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन ठीक है गेम है भाई, अब देखते हैं क्या होता है, रियल मैच कुछ देर में शुरू होगा और तब हम देखेंगे क्या हालात रहते हैं पहले T20 में। अभी के लिए ले रहा हूँ विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।